हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। बच्चा हमने टोटल 11 सम्स कवर कर दिए इन दो पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में हमने 5 सम्स कवर किया, पार्ट 2 में हमने 6 सम कवर किया। ये जो टोटल जो 11 सम्स कवर किए ना बच्चा, इसमें हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन डील किए, सॉल्व एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन डील किए, और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जितने भी चल रहे हैं टॉपिक वाइज, इंटीग्रेशन के जो भी चल रहे हैं टॉपिक वाइज हम लोग बात करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड चालू करेंगे। ये 12th वाला देखो कहाँ से लिया, क्वेश्चन नंबर 1 के 11। वीडियो चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग में से किसी बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसके बाद इस वीडियो को प्रोसीड करो। अदरवाइज मतलब नहीं रहेगा, यूज़ नहीं रहेगा, नो सेंस, हाँ कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। चलो मैं उसी बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं रिकॉलिंग में लिखता हूँ जीरो लेवल का बात। जीरो लेवल यस, इंटीग्रेशन में यू अपॉन वी का रूल होता ही नहीं है। तो हमने क्या पिक्चर में लाया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे एक फंक्शन रहेगा उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो लॉग ऑफ नीचे वाला, ये सारे चीज़ें हो चुका है। फिर से नीचे का एक फंक्शन रहेगा उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला रहेगा, इन शॉर्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे वाला रूट में रहेगा, तो 2√f(x). हम लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि किस चीज़ को टी पुट अप करना है, तो मैंने आप लोगों को बोला था ऐसा बाजू में जाने का, ऐसा डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ये जो समथिंग वाला पार्ट है ना इसी को टी पुट अप करना रहता है, इसी को टी पुट अप करना रहता है। और कोशिश हमारी ऐसे होनी चाहिए कि मेजरली पार्ट कैंसिल होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। याद आ रहा है 11 सम में हो चुका है, और मैंने कुछ तो अपनी तरफ से लॉजिक लगा के बात किया है। साइन ऑफ समथिंग अंदर है ना, गंदगी दिखेगा, गंदगी मतलब देखो ऐसा कुछ 3x² + 5 ऐसा कुछ भी, हाँ लीनियर फॉर्म दिखेगा तो जरूरत नहीं है, लीनियर फॉर्म दिखेगा तो जरूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर के लिए डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है। गंदगी दिखेगा, गंदगी मतलब समझना चाहिए, लीनियर के अलावा अंदर लॉग एक्स हो सकता है, e^2x हो सकता है, x² + 3 हो सकता है, कुछ भी गंदगी दिखेगा। साइन के अंदर कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 के 6, हाँ वैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के अंदर गंदगी दिखेगा। तो जिस तरह साइन का हो गया ट्रिग्नोमेट्री है इनवर्स ठीक है, वैसे लॉग के अंदर भी गंदगी दिखेगा, एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी गंदगी दिखेगी। एक्सपोनेंशियल मतलब वेरिएबल ऊपर, एक्स वाला ऊपर होना चाहिए, या फिर 5 के पावर में या a के पावर में, अरे एक ही बात होता है ना, ऊपर अगर एक्स वाला टर्म रहेगा तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। आओ मैंने एक अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा बात किया है, अगर तुम लोग सक्सेस नहीं होते हो अंदर वाला जैसे बात किया ना, साइन के अंदर रहेगा तो डेरिवेटिव करने का, अगर मेजरली पार्ट नहीं कैंसिल हो रहे तो पूरा अक्खा साइन को ही ले लेने का पिक्चर में। याद आ रहा बच्चा मैंने बात किया था, देखो दो ऑप्शन रहता है टी, या तो अंदर वाले को पहले टी पुट अप कर देखने का कुछ कैंसिल हो रहा है, एक बार हिट एंड ट्रायल के लिए पूरे को भी पुट अप कर ले, पूरे को भी टी पुट अप करने का देखने का ज़्यादा कट हो रहा है या नहीं। अभी आओ सैंपल देखते हैं, यहाँ पर देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आओ मुझे बताओ कैसे डील करेंगे। सबसे पहले तो सर आप जो भी क्वेश्चन दिया रहता ना उसको आप अपने मन से इंटीग्रल के नाम से फेमस करते हो, आई इज इक्वल टू वॉट x^9 sec स्क्वायर x^10, याद करो ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा ना, तुम लोग को समझना चाहिए लेट आई करके। चलो ठीक है, अरे समझ लो ना यार ऐसा दिया है बस, यहाँ पर कुछ जा रहा है क्या अपना, नहीं नहीं ऐसे ही दिया रहता है। चलो ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते, किसकी जगह पर टी पुट अप करना ये देखना जरूरत है, ज़रूरी है। आओ पहले तो देखो ये गंदगी, ये देखो सेक के अंदर, मैंने आप लोगों को क्या बोला, पहले सेक के अंदर देखो x^10 है, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, देखो क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 10x^9, देखो दिख रहा है क्या 10x^9 दिख रहा है, नंबर का छोड़ो नंबर तो बाहर जाता है उसका कुछ टेंशन ही नहीं, x^9 दिख रहा है यस। तो मुझे लग रहा है मैं x^10 को अगर डेरिवेटिव किया तो ये मरेगा, ये मरेगा तो क्या बचेगा, फाइनली कैसे दिखेगा मालूम है, ये मर गया तो समझ लो sec स्क्वायर यहाँ पर टी आ गया, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा सर आपने तो बोला था अगर सक्सेस नहीं हुआ तो पूरे को पुट अप करने का, देख बच्चा अगर तू बोलेगा sec x क्या है x^10 का डेरिवेटिव कर रहा है, अरे देख बच्चा कितना sec का डेरिवेटिव मालूम है तेरे को क्या होता है, पहले बोल हाँ या ना, तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है sec x × tan x, देखो इतना तो गंदगी नहीं दिख रहा ना, इतना तो गंदगी जो दिखता है ना जो आ रहा है वो दिखना भी चाहिए। अभी तुम लोग बोलेंगे इसका और ये डेरिवेटिव नहीं है 10x^9, देखो मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब ही नहीं ये सब चीज़, जितना चाहिए था वो इतना ही है, तो बोलने का मतलब सॉर्टेड है। बच्चे लोग को एक्सपीरियंस होने के बाद उन लोग खुद से मुझे बोलते हैं, इतना सब सोचते नहीं उन लोग बाजू में, जैसा मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना वो सोचते नहीं है डायरेक्टली, उन लोग के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता ना डायरेक्टली बोलते चलो सर पुट करते, क्या पुट अप करेंगे बच्चा बता बता बता, पुट x^10 की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, टी पुट अप करेंगे, आगे बोलना चाहिए डिफरेंशिएट, यस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, x^10 का क्या आएगा 10x^9 और इसका क्या आएगा dt / dx, ये याद आना चाहिए।
dx को इधर, इसको इधर, ये तो लास्ट लेक्चर से चलते आ रहे हैं। और बात क्या हुआ था अपना, याद है किसी को? किसी को याद है? dt के आजू बाजू जो दिखता है वो मरेगा। dt के आजू बाजू दिखता है 10 x रेस टू आउट 9, 10 का पता नहीं हो तो नंबर है, x रेस टू आउट 9 मरेगा। तो हम लोग ने बात किया था, क्या क्या बात किया था देखो, पहले तो क्वेश्चन में कहीं पर भी x रेस टू 10 दिखेगा उसको मैं t पुटअप करूंगा, क्वेश्चन में dx की जगह पे मैं ये पुटअप करूंगा, दो सब्सटीट्यूशन, लेकिन एक चीज को रोक दूंगा, x रेस टू आउट 9 कहीं पर अकेला दिखाना, जहां पर कटने के फिराद में रहेगा उसको छेड़ूंगा नहीं। मतलब जैसे देखो ये मरने वाला है, इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन बिकम क्या हो गया, इक्वेशन वन बिकम, चलो बोलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मरने वाला है, एक बार आखिरी बार देखना चाहिए, ये वेंटिलेटर पे है, लास्ट टाइम है देख लो, क्योंकि ये मरने वाला है, फिक्स है। अच्छा जरूरी नहीं जो वेंटिलेटर पे मरेगा, इधर की बात करो भाई, नहीं तो रियल लाइफ में लिंक करोगे। एक्स रे ये मरने वाला है, आगे बोलो sec स्क्वायर, और एक्स रे टू 10 की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, टी, पहला सब्सटीट्यूशन मैंने किया। दूसरा सब्सटीट्यूशन dx की जगह पे dt अपॉन 10 एक्स रे टू आउट 9, देखो अब मुझे लग रहा है कि x रेस्टू आउट 9, x रेस्टू आउट 9 मर गया, 10 को बाहर फेंक देते क्योंकि अकेला है बेचारा, सिंगल है अपने जैसा, यहाँ पर आओ sec स्क्वायर t dt, ये याद रहे स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले में साइन स्क्वायर का भी मैंने इंटीग्रेशन बताया, cos स्क्वायर का भी बताया, tan स्क्वायर का भी बताया, sec cot स्क्वायर का भी बताया, sec स्क्वायर का भी, cosec स्क्वायर का, दो तो रेडीमेड है, sec स्क्वायर का रेडीमेड है, sec स्क्वायर का होता क्या इंटीग्रेशन, 10x होता है ना, i इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 10 tan t, और आगे क्या क्या प्लस सी, ये याद रखना, याद रहेगा कोसेक का क्या होता मालूम, कोसेक स्क्वायर का माइनस 40, तो बस लास्ट स्टेप आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 tan टी की जगह पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो एक्स रेस टू और 10 प्लस सी, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, ये समझा कैसे करने का, हाँ या ना, और एक्स्ट्रा लेते ना, डरावना डरावना सम लेते मजा आएगा, लेकिन ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, अपने को ये सीखना था, ये है 2 मार्क का सम, इजी है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो और तुम लोग जजमेंट लो कि किसकी जगह पे क्या पुट अप करेंगे। देखो सम तो गंदा दिख रहा है, यस नो डाउट, अच्छा क्वेश्चन में ऐसा डब्बा बना के दिया है, चलो ठीक है आगे बात करो, आगे बताओ कहाँ से लिया, मैंने लिखा है बाजू में क्वेश्चन में 1 का 6, मैटर करता नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में ये वाला सम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील करना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट मार्क किया है, मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड सम आने का चांसेस होता है। किसके जगह पे टी पुट अप करेंगे, सर ऊपर नीचे वाला सेम दिखता है, कट करो, अरे भाई मारूंगा चमट गिर जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करना, प्लस के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल करने का, हाँ तो गंदगी किधर दिख रहा है, देखो ना, अरे देखो ए के पावर में समथिंग, ए के पावर में समथिंग, चालू करने से पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट ए रेस टू वॉट एक्स मार्केट में अवेलेबल है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू वॉट एक्स क्या होता मालूम, ए मतलब एक नंबर है, 5 रेस टू 6, मैंने अभी बात किया था याद आ रहा है, अभी देखो 5 के पावर में गंदगी रहेगा, ए के पावर में गंदगी रहेगा, गंदगी को टी पुट अप करके देखने का एक बार, और यहाँ पर चलो एक काम और कर लो, तुम लोग जीरो लेवल पे बात करना है तो नीचे का डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं दिख रहा, मतलब जीरो लेवल वाला बात खत्म, तो अब वही गंदगी वाला देखो ना ए के पावर में, इसको एक बार टी पुट अप करके देखते, टी पुट अप करके देखते, लेकिन उससे पहले जो बात हुआ था डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू वॉट एक्स, याद करो ए रेस टू वॉट एक्स लॉग ए, ये अपने को पता होना चाहिए, ए मतलब नंबर है, 5 रेस टू वॉट एक्स लॉग 5, 6 रेस टू वॉट एक्स लॉग 6, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं, अरे भाई क्यों कन्फ्यूज हो रहा है, ए रेस टू वॉट एक्स लिख अपन वॉट लॉग ए लिख, ये याद रखना, इधर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन लॉग ए नीचे आता, उधर लॉग ए बाजू में आता है, ठीक है, तो पुटअप किसको करूँ सर, पुटअप किसको करूँ, आओ मैं बताता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन मेरे बच्चे लोग भी खुद से मिलके बोलते हैं गंदगी दिखा, गंदगी दिखाना, इसको टी पुटअप करो, और टी पुटअप करने के बाद ये दिखेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, अगर नहीं हुआ सक्सेस तो इसी को टी पुटअप करूंगा, और इसको टी पुटअप करूंगा तो मुझे लगता है ज़्यादा ये याद रखना, अगर इससे सक्सेस नहीं हुआ तो इसको पूरे को टी पुटअप करूंगा, चलो देखता हूँ, अब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है लेकिन टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रहा नहीं, लेकिन आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर बाजू में वही करना, पुट एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, गंदगी को क्या पुटअप करेंगे हम लोग टी, अगर ये सक्सेस नहीं होता तो इस पूरे को, मैं पहले बता रहा हूँ गंदगी अगर सक्सेस नहीं करा था तो पूरा अच्छे को ही टी पुट अप कर दो, फिलहाल के लिए पुट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स करो, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन मोर टाइम, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखना, और यहाँ पर क्या dt by dx, समझने वाले ये भी समझे कि सर ने कभी भी बोला कि अगर लेफ्ट साइड वाला प्लस माइनस में नहीं दिखना चाहिए, अपॉन में दिखना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमेटर या तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ऐसे करो ये इधर फेंको, हाँ आता है ना सबको, ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इधर का 1 अपॉन वॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहा dt by dx, चलो 1 प्लस 1 कितना 2, या फिर पहले तो एक्स स्क्वायर वाला लिखता हूँ,
फिर 1+1 2, यहाँ पर भी चलो सेम चीज़ करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखता, अरे चलेगा ना अपनी मर्जी है, 3+7 कर या 7+3 कर, बोथ आर व्हाट सेम, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा। अच्छा डी एक्स को इधर, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड करा उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर क्या करेगा डिवाइड, ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा क्या करने का, पहले रुको हाईलाइट, पहले दो सब्स्टिट्यूशन तो करना है, पहला सब्स्टिट्यूशन इसके जगह पे क्या पुटअप करना है, टी पुटअप करना है, ओके, और डी एक्स की जगह पे ये पुटअप करना है। तुरंत जजमेंट लो, मरने वाला कौन है जो डी टी के साथ चिप करेगा, डी टी के साथ ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये पूरा मरने वाला है, तो इसको आखिरी बार देख लो, ये मरने वाला है, इसको रखेंगे, इसके जगह पे टी पुटअप करेंगे, और इसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन जो भी डी एक्स का वैल्यू है, तो अब खत्म करेंगे कहानी, इक्वेशन वन बिकम, बोलो इक्वेशन वन बिकम क्या हो जाएगा, चलो देखते बोलो, I इज इक्वल टू वॉट इंटीग्रेशन, ये मरने वाला है इस बार, इसलिए आखिरी बार लिख रहा हूँ मैं, समझा या नहीं समझा रे बच्चा, हाँ या ना, देखो A, आगे इसको हटा देता हूँ, A, A, इसके जगह पे क्या पुटअप कर रहे, T पुटअप कर रहे, डी एक्स के जगह पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पर डी टी, देखो पूरा मर रहा है, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, क्या बच्चा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए रेशियो ऑफ टी डी टी, ए रेशियो ऑफ एक्स का, ए रेशियो ऑफ एक्स लॉग ए नीचे, ए रेशियो टी का, बोलो ना, ए रेशियो ऑफ टी अपन वॉट लॉग ए, खत्म करो कहानी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो सकता था अगर ये टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करने के बाद, चलो टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देते, ए टी का वैल्यू क्या है, हाँ अरे कितना ईजी लग रहा है सर, ईजी तो है, हम लोग खाली पकड़ इतना डर रहे, लॉग ए और यहाँ पर प्लस सी, देखो फाइनल आंसर हो गया, कितना इजीली डील हो रहा है, देखो ऐसा लग रहा है कि चिंदी 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 बनते जा रहा है। चलो लेवल इंक्रीज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आल्सो हुमेन, यहाँ पर ये समझा या नहीं समझा, इजी है, कॉपी मारो फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14th वाला, अपना 14th है, अगर एक्सरसाइज का देखना रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th है। चलो सोचो सोचो गंदगी क्या दिख रहा है, हाँ बोलो 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 बोलो, चलो चलो देखते देखते कितने बच्चे डील कर पाएंगे। यस, मैंने आई से चालू किया, ये याद रखना, क्वेश्चन सिर्फ इतना था तो लेट आई लिखते ना, वो वहाँ से चालू किया, टेन के अंदर गंदगी दिखा, यस, तो उसके जगह पे टी पुटअप करेंगे, अरे यार ई रेस्टोर्ड एक्स के जगह पे टी पुटअप करेगा ना, डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या होगा मालूम है, देखते मैंने इसको टारगेट लिया, इसको टारगेट लिया, देखते देखते सर इधर भी तो दिख रहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ बात करूँगा, तू एक बच्चे लेवल पे सोचना है, तू तेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक स्टूडेंट जैसे सोचूंगा, जो एकदम कमज़ोर स्टूडेंट होता ना हो, जैसे उसने सोचा कि सर ने बोला 10 के अंदर गंदगी, अरे ये भी ये तो है, हाँ ठीक है, ई रेस्टोर्ड एक्स को जगह पे टी पुटअप करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा तो ई रेस्टोर्ड एक्स होता है, और ये डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पर कहेगा डी टी अपॉन ई रेस्टोर्ड एक्स, समझने वाले ये समझ लिया कि दो सब्स्टिट्यूशन, एक ई रेस्टोर्ड एक्स को टी पुटअप करना है, और एक ई रेस्टोर्ड एक्स को क्या पुटअप करना, ई रेस्टोर्ड एक्स मरने वाला है। अच्छा दो ई रेस्टोर्ड एक्स दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तीन दिख रहा है टोटल, तो जो मरने वाला है उसको बचा के रख, बाकी यहीं ये देख, ये तो कभी मर नहीं सकता क्योंकि ये टेन ने इसको कवर करके रखा है, लॉग ने साइन ने ई इसको कवर कर, ये नहीं मरेगा, ये मरेगा क्योंकि ये अकेला है, मैं अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो सिंगल रहता ना वो मरेगा, बाकी कहीं पर भी दिखेगा ना, देखो मतलब इसके जगह पे ये मरने वाला है, इसको बचा के रखो, लॉग क्या आएगा साइन टी अपॉन वर्ड क्या आएगा टेन टी, अभी भी मुझे लग रहा है, और यहाँ पर डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन, सिर्फ यही तो मर रहा है, अरे बोलो हाँ है ना, बात तो हो चुका, डी टी के साथ जुड़ेगा वो मरेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, वो वेंटिलेटर पे होना चाहिए, वेंटिलेटर का मतलब सिंगल होना चाहिए, याद रख, ये सिंगल तो नहीं है, इसको तो कवर किया, अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करा रहा है, ये नहीं मरेगा, चाहे कुछ हो जाए, समझ पा रहे, घर में पाइप लगा दिया, ठूस लिया, पेशेंट हायर है ना, सीरियस है, पाइप लगा दिया, नहीं चलेगा ना ऐसा, तो ये सिंगल नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखना, अरे हाँ है ना, जो इंसान एकदम सीरियस में उसको सिंगल छोड़ देगा तो बेचारे का विकेट गिरने का चांस ज़्यादा है, ये देख इसको कवर किया, फैमिली सपोर्ट है, दोस्त लोग का सपोर्ट है, ये नहीं मरेगा भाई, समझ रहे, आशीर्वाद है, ये सिंगल है, ईगोइस्टिक बंदा मेरे जैसा, मतलब सर आपका विकेट है, यहाँ पर ई रेस्टोर्ड एक्स को पुटअप करके मतलब नहीं है, तो पूरे को पुटअप करके देखते, रुक जा, पहले तो मैं एक बार सोचना चाहता हूँ, टेन का डेरिवेटिव याद रहे, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कहीं पर सेक नहीं दिख रहा है, छोड़ो अब देखते हैं यहाँ पर, आओ जैसे टेन के अंदर था ना वैसे लॉग के अंदर गंदगी, साइन साइन ई रेस्टोर्ड एक्स का डेरिवेटिव, अरे बोल दो ना साइन ई रेस्टोर्ड एक्स का डेरिवेटिव, मैं बताता हूँ, ये अंदर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है, कॉस होता है, क्या होता है कॉस ई रेस्टोर्ड एक्स, धोखा, यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स एक्स की जगह पे कुछ और रहेगा तो उसको वापस डेरिवेटिव करना पड़ता है, जिसको रिमांड ई रेस्टोर्ड एक्स का, अच्छा यहाँ पर तो हो गया,
कॉस ई रेज टू एक्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई ई रेज, मतलब ये तो मरने वाला लेकिन कॉस तो दिख ही नहीं रहा। चलो फिर मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, कुछ तो कुछ लफड़ा है, लफड़ा तो है, मतलब हम लोग सोच ही नहीं पा रहे। अरे बाप रे बाप, ये मैंने कुछ तो बोला था, तू शायद सुना नहीं। तीसरे लेवल पे अगर अंदर वाला नहीं सेटिस्फाई करा, पूरे आँखें को टी पुटअप कर। चलो एक मिनट, पूरे को टी पुटअप कर। अरे सर पुटअप करोगे? अरे आना आ, देखते 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 जीरो लेवल पे सोचना है। दूसरे चैनल जैसे नहीं, ए मेरा टेक्निक सुनो इसका टी पुटअप, टेक्निक नहीं होता बच्चा, तेरे को सब कुछ जीरो लेवल पे सोचना है। एग्जाम हॉल में ना कोई साथ नहीं देगा, तू सोच रहा तेरा दोस्त तेरा मदद करेगा, अरे भाई वो खुद एग्जाम में तेरे भरोसे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अंदर वाला टी पुटअप करके मतलब नहीं हो रहा है। चलो फिर ठीक, या तो टेन को डेरिवेटिव करेंगे। तो आप देखते ये अंदर नहीं, तो पूरे को देखते हैं। और मुझे लगता है मैंने इसको किया है, मैं टाइम का खोटी नहीं करना चाहता है। पुट लॉग, बोलो लॉग साइन ई रेज टू एक्स को टी पुटअप करो और देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट, डेरिवेटिव आना चाहिए भाई। पहला लेक्चर मेरा इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव भी सिखाया और इंटीग्रेशन भी सिखाया। बोलो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो लॉग इसका डेरिवेटिव वन अपॉन साइन ई रेज टू ऑट एक्स, ये दिखा? बोलो हाँ या ना। और इधर एक्स होना चाहिए था, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ई रेज टू ऑट एक्स। फिर यहाँ पर इधर ई रेज टू ऑट एक्स की जगह पे एक्स होना चाहिए था, वापस डेरिवेटिव। अरे सर इतना बड़ा करेगा तो हम लोग रात हो जाएगा, इसलिए तो तेरे को कोई लेके किधर नहीं जाता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तेरे को डेरिवेटिव नहीं आता, मेरी बात सुन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम? वन अपॉन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट ऑट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम? ई रेस्ट ऑट एक्स का ई रेस्ट ऑट एक्स। चलो जब भी डेरिवेटिव दिखेगा ना, तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ ऑट क्या लिखा है यहाँ पर? लॉग साइन ई रेस्ट ऑट एक्स। हाँ चलो देखते हैं। देखो पहला वाला लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स नहीं, इतने पार्ट ने धोखा दिया, धोखा क्या बोलने का? धोखा, धोखा दिलो रे। चलो बताओ log x का डेरिवेटिव, log x 1 अपॉन x मतलब अंदर वाले को नीचे गिराने का, 1 अपॉन x। ओके यहाँ तक क्लियर है? हाँ यार, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसका डेरिवेटिव वापस करने का, देख ये समझा? हाँ या ना, यहाँ तक समझा? कैसे किया? log के अंदर 1 अपॉन x, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसका वापस डेरिवेटिव करने का। चलो ठीक है, वापस डेरिवेटिव तो करते, डेरिवेटिव किसका करना है? अब बाकी सब छोड़ो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, धोखा। चलो पहले लिखते कॉस एक्स, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड, धोखा। अरे आया है ना, डी बाई डी एक्स ई रेस्ट टू ऑट एक्स, यहाँ पर कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा चाहिए तो कॉस अपॉन साइन, देखो ना अंदर वाला, तो इसको कॉट लिख दो, कॉट ई रेस्ट टू ऑट एक्स। और ई रेस्ट, ये समझा? नहीं जमता छोड़ दे, कॉस ई रेस्ट टू ऑट एक्स अपॉन ऑट साइन ई रेस्ट टू ऑट एक्स, और इसका आएगा ई रेस्ट टू ऑट एक्स। ये देखो समझने वाले ने बोला, बाजू में मेरे पार्किंग किया है, लिख के रखने का चाहिए तो। चलो आगे बोलो, आगे हुआ नहीं है बच्चा? t का डेरिवेटिव dt by dx। चलो पूरा सिस्टमेटिक लिख लो, हाँ ई रेस्ट टू ऑट एक्स कॉस ई रेस्ट टू ऑट एक्स। चाहिए तो आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, क्या मालूम है? मैं बताता हूँ कॉस अपॉन साइन को आप लोग क्या लिख सकते हो मालूम है? कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हो। चलो ठीक है, नहीं उतना उतना सोचेगा तो रात हो जाएगा सर, उतना हम लोग नहीं सोचते, हम लोग कमजोर स्टूडेंट। यहाँ पर dx, यहाँ पर ये इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा? साइन ई रेस्ट टू ऑट एक्स अपन ऑट कॉस ई रेस्ट टू ऑट एक्स, और ये भी तो है ई रेस्ट टू ऑट एक्स, और यहाँ पर क्या है? dt। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो मरने वाला उसको बताता हूँ, dt के साथ जो सब माले ना सब मरने वाला है। अरे यार साइन कॉस तो दिख रहे नहीं, अरे बच्चा रुकना जरा ध्यान से देखना ये क्या है, साइन अपॉन कॉस। अब तो बता, ये तो बचपन का प्यार है यार, dx, dx इज इक्वल टू ऑट, बोलो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, और ये ई रेस्ट टू ऑट एक्स dt। तो हाईलाइट प्लीज, पहला हाईलाइट, दूसरा हाईलाइट, और इक्वेशन वन भी कम यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? अरे यार क्या है, यहाँ पर आओ, इक्वेशन वन भी कम, इक्वेशन वन भी कम, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन मरने वाला पहले ये बताता हूँ, टारगेट ले लेता हूँ, ये मरेगा, बाकी सबका जुगाड़ कर। जो मरने वाला है उसको आखिरी बार देखना चाहिए, मतलब सर इसको ऐसी रख, इसको ऐसी रख, बराबर है कि नहीं? हाँ ये मरने वाला है। अच्छा लॉग इसकी जगह, पूरे की जगह पे टी पुटअप किया रे सर आपने, टी, और डी एक्स की जगह पे क्या है? टेन ई रेस्ट टू ऑट एक्स। अरे सर कितना इजी दिख रहा है, ई रेस्ट टू ऑट एक्स डी टी, ये मरा ये मरा ये मरा ये मरा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। एक्स रेस्ट टू ऑट एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू ऑट एन प्लस वन अपॉन ऑट एन प्लस वन, तो आई इज इक्वल टू ऑट टी, इधर वन है, वन प्लस वन टू अपॉन टू प्लस सी, रीसब्स्टिट्यूट करो आई, टी का वैल्यू क्या लिखना है? लॉग
साइन ए रेस टू ऑट एक्स द होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर अपॉन वॉट टू प्लस सी। आप लोग इसको नीचे मत गिरा देना, मालूम पड़ा बचपन का प्यार याद आ गया। कौन सा बचपन का प्यार? लॉग एम रेस टू ऑट एन का, एन लॉग एम बरोबर, ये बचपन का प्यार सही है, लेकिन अभी वो किसी और का है, तो किसी और का है। इधर ये ऐसा दिख रहा है, लॉग एम के होल पावर में एन दिख रहा है, इसको नीचे मत गिरा देना, मालूम पड़ा जोश में आया, इंटीग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, ये भी ज़्यादा आ गया। ये टू है ना, ओवरऑल है, इसके ऊपर रहता तो नीचे गिरता। ये छोटी छोटी चीज़ें ना स्ट्रॉन्ग करो आप लोग प्लीज़। यहाँ तक समझा ही नहीं समझा मैंने कैसे, यहाँ पर सोचने की कोशिश किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट कैसा सोचेगा। यहाँ पर क्लियर है, इसको पूरे को टी पुटअप किया तो मेरे को मालूम पड़ गया सॉर्टेड है। ये मरेगा, उसको बाजू में रखो, इंटीग्रेशन करो, काम तमाम, कॉपी कर लो। सो गाइस, मार्च 2019, यस, ये देखो सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो और खुद से कोशिश करो, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, चलेगा? 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, खुद से सोचो कैसा डील करेंगे, किसके जगह बेटी पुटअप करेंगे, सोचो फिर बात करेंगे जरूर। स्टार्ट करो। डन एवरीवन, यहां पर हम देखते हैं क्या किया। एक बच्चा बोला कि सर गंदगी किधर ज्यादा दिख रहा है, मैंने बोला ऊपर, बोलते सर नहीं गंदगी नीचे ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पर बंदोबस्त करते हैं। क्या रहेगा? कॉस के अंदर, याद आ रहा है? देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, जहां पर गंदगी ज्यादा ना वहां पर देखने की कोशिश करो। पहले तो इसको हटाओ, पहले तो इसके जगह पे टी पुट अप करने की कोशिश है। ये स्क्वायर मतलब समझता है, ओवरऑल स्क्वायर। हाँ देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहले तो इसके जगह पे टी पुट अप करो, टी इसके जगह पे पुट अप करो। अगर सक्सेस नहीं होता है तो इसके जगह पे टी पुट अप करो, अगर सक्सेस नहीं होता है, अरे हाँ हो जाएगा अभी, क्या इसमें हो जाता है यहाँ पर, फिर ऊपर देखने का। और एक बच्चा बोला सर मैंने क्या तरीका यूज किया मालूम है, मैंने बोला क्या, बोलता सर कॉस को टी पुटअप करो ही मत, क्योंकि कॉस का अगर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन वगैरह आएगा, पिक्चर में साइन ही दिख रहा है। तो मैंने भी वही किया, लेकिन मेरा तरीका पता नहीं अंदर से आवाज आया कि इसको टी पुटअप करके देख ले। अच्छी बात है, ये वाले कैटेगरी के भी बच्चे हो सकते हैं, हम कुछ सोचा नहीं, डायरेक्टली अंधाधुंधी मार दिया। स्टार्ट, यहाँ पर क्या आएगा बोलो, पोट एक्स ई रेस टू ऑट एक्स के जगह पे टी पुटअप, और यहाँ पर है ना डिफरेंशिएट में यू डॉट वी रूल लगेगा। अगर इतना भी नहीं मालूम है तो फिर बच्चा क्या मतलब यार, इतना पढ़ा लिखा के क्या मतलब है, यू डॉट वी क्या होता है, दोनों एक साथ में बात नहीं करना है। यू डेरिवेटिव ऑफ वी, याद आ रहा है, प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, मैंने कैसा याद करा है, सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये यू है, ये वी है, चलो यू डेरिवेटिव ऑफ वी ई रेस टू ऑट एक्स, ई रेस टू ऑट एक्स का ई रेस टू ऑट एक्स, कोई धोखा नहीं, एक्स की जगह पे एक्स ही है, प्लस वी और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, और यहाँ पर क्या आएगा, डी टी बाय डी एक्स। अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है, यस ई रेस टू ऑट एक्स कॉमन दिख रहा है, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस ई रेस टू ऑट एक्स, दोनों में ना ई रेस टू ऑट एक्स बाहर, एक्स बचा प्लस इधर का वन बचा, यहाँ पर डी टी बाय डी एक्स। समझने वाले बोले सर सेम वाल ऊपर दिख रहा है मुझे, हाँ मरने वाला है, चलो डी एक्स को इधर फेंको, डी एक्स ये डी टी, ये क्या इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, समझता है कि नहीं रे, ई रेस टू ऑट एक्स, एक्स प्लस वन लिखो, या ऐसा भी लिख सकते हो डी टी अपॉन वॉट ई रेस टू ऑट एक्स, अरे तुम्हारा चॉइस है बच्चा, तुम्हारा चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करो, ठीक है, मैं तो सिंपल रखता हूँ। अच्छा टारगेट सेट करते, चलो पहला हाईलाइट, दूसरा हाईलाइट, और इसको इक्वेशन नंबर वन। अच्छा मुझे ये बताओ, ध्यान से सोच समझ के बोलना, ये मरने वाला है तो इसको एक काम करते हैं, देखो ये सिंगल भी है, ये सिंगल भी है, मतलब इसके आजू बाजू कोई लॉग साइन साइन इनवर्स कोई कवर नहीं किया, मरेगा ये, मरेगा, इसको बचा के रखो, रखो रखो साला ये मरेगा, मरेगा। तू ईगो वाला बंदा, अकेले रहना चाहता, रुक तेरे को तोड़ता हूँ मैं, तू पहले रुक, तू रुक इधर ही रुक, इधर ही रुक, इधर ही रुक, मैं पलटन लोग को लेकर आता हूँ, बाकी लोग को चलो। कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू ऑट एक्स की जगह पे क्या लिखा है, टी लिखा है, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखा है, वन अपॉन ई रेस टू ऑट एक्स, आगे क्या है, एक्स प्लस वन, ध्यान से देखोगे ना, और यहाँ पर डी टी, ध्यान से देखोगे ये और ये कैंसिल, वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन दोनों सेम है तो ये कैंसिल, आई इज इक्वल टू क्या बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी। इंटीग्रेशन मार्केट में नहीं है, कौन बोला नहीं है मार्केट में, वन अपॉन कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करो ना, क्या होता है सेक स्क्वायर टी, अब तो स्टैंडर्ड बन गया। ये तो आज का ही लेक्चर का बात हुआ था, आई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन टी होता है ना, टेन टी प्लस सी, चलो आई इज इक्वल टू टेन, टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करने का, टी का वैल्यू एक्स ई रेस टू ऑट एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। देखो 3 मार्क का सवाल कितना इजीली डील हो रहा है, अरे तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं बोला ना प्रैक्टिस 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 सब हो जाएगा। तो ये 15 वाला सम और भी सम्स करते हैं इसी वीडियो में, प्लीज कॉपी कर लो इसको। चलो गाइस यहाँ पर ये सम देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यस थोड़ा स्पीड अपना बढ़ चुका है क्योंकि अभी प्रैक्टिस अच्छा खासा हो गया। यहाँ पर स्टार्ट करो और देखो किसके जगह पे टी पुटअप करेंगे, किसके जगह पे टी पुटअप करेंगे, गंदगी कहाँ पर ज़्यादा है, ऊपर या नीचे, नीचे,
कहीं ना कहीं मेरे को ना ये देख के तुरंत याद है, टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो टेन वाले में छेड़ो और गंदगी भी वहीं पर जाता है। आप लोग एक काम करो, मुझे सिर्फ टी बताओ किसके जगह पे, रुको मैं ऑप्शन देता हूँ, रुको पहले तो ये लिखने दो, टेन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर क्या है ये, और ये रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है मालूम है, ऐसा लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अरे सर नहीं, रूट भी है और यहाँ पर पावर में थ्री भी है, थ्री है ना, और ये रूट, अरे बाप रे ज़्यादा गंदगी दिख रहा है, पुटअप करो, अरे अपना टारगेट सेट है, पहले अंदर वाले को टी पुटअप करेंगे, अगर सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ इसका मतलब ज़्यादा कटकुट नहीं हुआ, उसी को मैं सक्सेस नहीं हुआ बोल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं दिख रहा है बस, लेकिन अगर मैं पूरे को टी पुटअप करता हूँ तो, ये जिसको नहीं मालूम है ना स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं 1/2, और 1/2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएगा, ये बेसिक से मैं सिखाते आ रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी उतना नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स वाला दिख रहा मतलब ये मरेगा, अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये क्या होगा 10 और इधर ही टी होएगा, मतलब ये गंदगी अभी भी दिखेगा, ये गंदगी अभी भी दिखेगा। चलो ठीक है, 10x स्क्वायर को जरा टी पुटअप करो, 10x स्क्वायर को, एक मिनट, 10x स्क्वायर को टी पुटअप करते, टी पुटअप करेंगे, एक मिनट डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है पहले ये देखते हैं, बोला था ना जिसको टी पुटअप करेंगे वो यहाँ पर लिखना है, देखते हैं इधर अगर मेजरली पार्ट ऐसा दिखेगा जो इस क्वेश्चन में भी है तो मतलब मैं इसको बोल दूंगा तू सक्सेस हो गया। चलो और क्या होगा देखते, 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, वही सेम बचपन का प्यार, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स होना चाहिए, तभी धोखा दिया तो रिमांड, मैं बोलता हूँ 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर बराबर है, इतने बार ने धोखा धोखा दिया तो क्या करने का मालूम है, नहीं छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं, जितने बार ने धोखा दिया उसको रिमांड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x मैं आगे लिख देता हूँ, 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा है यस ये दिख रहा है, अरे हाँ है ना दिख रहा ना, और किसी की जगह पे टी नहीं पुटअप करेंगे, बोलेंगे इसको ले लो टी पुटअप, हो ही तो लिया बच्चा, अच्छा सर मैं तो पूरे को, अरे पूरा इतना गंदगी मत कर रहे, अरे समझा ही नहीं मतलब सक्सेस हो चुके अपन, यस कॉन्ग्रेचुलेशन बाप बना, नहीं नहीं टी पुटअप करने का चांस मिल गया, बोलो पुट 10, सर सेम चीज़ वापस लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर का जगह पे टी, डिफ्रेंशिएट बोलो ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट क्या आएगा एक्स, 10 का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे हाँ ना धोखा धोखा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और यहाँ पर क्या आएगा dt बाय dx, तो dx ऊपर फेंको इसको नीचे फेंको, dx इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ये 1/2 आ गया sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2x इधर नहीं इधर लिखता हूँ, अरे एक ही बात होता है बच्चा, इसको हाईलाइट सर आपने स्पीड बढ़ा दिया, आपको ईगो आ गया क्या, नहीं नहीं घमंड आ गया क्या, नहीं नहीं फिर क्या, अरे घमंड तो आएगा ना भाई, बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये बच्चों को लिए इतना मेहनत करने का घमंड है, बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहा, कौन सा एक भी टीचर बता दे महाराष्ट्र का या यूट्यूब का जिसने ऐसा सीक्वेंस बना के सिखाने की कोशिश करेगा, एक भी चैनल बता दे, अगर बता रहा है तो हेड्स ऑफ है, मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई हेड्स ऑफ है सर जी, आप टेक्स्ट बुक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बच्चे लोग को सिखाने की कोशिश करो बहुत डीप में, तो ये सब बहुत मेहनत लगता है यार, ये देखो एक्सरसाइज का ये चौथा है, और अपना देखो ये 16वां क्वेश्चन, मुझे मालूम है ना कब कॉन्फिडेंस लाना है बच्चे लोग का, ये नहीं कि कॉन्फिडेंस कब गिराना है ये नहीं देखना है, कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो, बच्चे लोग तो अपने आप सीख जाएंगे, आज के ज़माने में बच्चे लोग मेहनत करने नहीं जानते, चलो ठीक है अच्छी बात है, मत करो स्मार्ट वर्क करो, आओ रुको पहले तो अपना टारगेट सेट करो, ये जो दिख रहा ना ये माल, ये 2 को छोड़ो, 2 तो एक नंबर है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर बोला मैंने, हाँ ये मरने वाला है, चलो ठीक है ये मरने वाला है, डील पक्का हो गया, और चलो ये मरने वाला, तो इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या इक्वेशन 1 बिकम, बच्चों के लिए मेहनत कर रहा मुझे बहुत पसंद आता है, इंटीग्रेशन ये मरने वाला है, एक्स sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर आखिरी बार देख लो, बाकी सब अंडर रूट में, बोलो आगे क्या गया, 10x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, 10x स्क्वायर की जगह पे t लिखा है, देखो ये इसका मतलब समझो, 10 ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और ये ओवरऑल 3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो सिंपल वर्ड में बोलता हूँ 10x स्क्वायर की जगह पे t लिखा और इधर 3 भी है, t लिखा और यहाँ पर 3 भी है, बोलो याद रहेगा सबको ये सुनो, dx की जगह पे क्या है 1/2, गंदगी ज़्यादा दिख रहा, रुको मैं सबको साफ सफाई करता हूँ, मैं स्वच्छ भारत अभियान, आओ यहाँ पर आओ 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 यहाँ पर बात करते हैं अपन, सबसे पहले तो ये और ये मर गया, 2 बाहर जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2, बच्चे तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए इसको डील कैसे करते, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है आई इज इक्वल टू, मैं लिख के देता हूँ रुको, टी क्यूब है ना अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होता है मालूम है 1/2, और इसका मतलब होता है 3/2, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, ये देखो ये समझो ये कैसे किया मैंने, ये समझो स्क्वायर रूट, चलो ना 1/2
तो करेंगे कैसे सर, ये 3/2 आया, मालूम पड़ा कि कैसे किया, कोई इंटीग्रेशन नहीं, 8वीं का गणित लगाया, रूल ऑफ इंडाइसेस, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखने का, और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, याद रहेगा। अच्छा ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन है नहीं, अरे है ना बेटा, कौन सा सर, वो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं हो रहा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं हो रहा है, तो इसको ऊपर फेंक दो। अरे हाँ ये तो x रेशियो और 10 वाला इंटीग्रेशन आ रहा है, x रेशियो और 10 वाला इंटीग्रेशन याद है सबको, हाँ है ना, x रेशियो और 10+1/(n+1) कंडीशन अप्लाई। सर क्या कंडीशन, n की जगह पे -1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखो, ये छोटा मोटी आइटम है ना, तुम लोग भूल जाओगे बाद में एग्जाम में हगना चालू कर दोगे, ऐसा मत करो, ये सब याद रखो, एन की जगह पे -1 नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि -1 डाला -1+1 जीरो हो जाएगा, ये याद रखना, नीचे वाला जीरो तो इन्फिनिटी नॉट एग्जिस्ट, समझ पा रहे हो, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें याद रखो। 1/2 बोलो टी का टी रेस टू वॉट वही -3/2 +1/(-3/2+1+c) आओ -3/2 इसको सॉल्व करके आते हैं, आओ बाजू में सॉल्व कर, इसके नीचे कुछ -3+2/2 आंसर क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, हाँ -1/2 i = 1/2 इसका क्या -1/2 / -1/2 यहाँ पर प्लस सी बराबर याद रख, ओके क्या करेंगे, हटा दो इसको, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर हो गया फाइनल स्टेप, टच देना है, टचअप देना है, फिनिशिंग खत्म करना है, ये क्या नीचे का नीचे ऊपर जाके क्या, अच्छा ये 2/2 मार दो, ये भी चलेगा ना, नहीं जमता तो ऊपर जाएगा, नीचे का नीचे ऊपर जाएगा, 2/2 ये भी मरेगा, चाहे कुछ भी कर मरना तो है, तो बचा क्या, ये माइनस को इधर सरका दो, नीचे वाले 1 को भाव मत दे, मतलब फाइनल क्या बचेगा, फाइनल क्या बचेगा बोलो, i = देखो ये 2 और ये 2 कट गया, ये अभी नहीं जमता तो नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 yc, मतलब अल्टीमेटम बोलना चाहता हूँ 2 मरेगा, तो बचा क्या -1 जो नहीं लिखेंगे चलेगा, t = -1/2 + c, i = इसको जगह पे नीचे गिरा देने का, याद आ रहा बच्चा आप लोग को, अरे डिफरेंशिएशन में मैंने सिखाया, बहुत बार सिखाया, और इसका आंसर आ गया i = -1/2, इसको लिख दो √t + c। अब लास्ट स्टेप्स रहेगा, ये समझा कि नहीं समझा, कुछ बच्चे को ऐसा जा रहा है, आ जा वापस, अब वापस, अबे तेरे को ही सिखाने के लिए तो टाइम निकल के सिखा रहा हूँ, और तेरे को नहीं समझा तो फिर मेरा वेस्टेज है, पैसा भी टाइम का भी, यहाँ पर आओ देख, ये नहीं जमता ना, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, i = चलो यहाँ पर नहीं कट करने जम रहा है समझ ले तेरे को, तो ऊपर आएगा 2, ये समझा, ये देखो यहाँ पर ये 1/2 था, ऊपर आएगा तो 2, ये माइनस को इधर फेंक दे, बस इतना तो कर सकता है, और ये 1 को भाव मत दे, चलेगा इतना तो कर सकता है तू, जैसे जमता वैसे कर, 2 2 गेट कैंसिल, i = -t/(-1/2) को नीचे गिरा दे, 1/(t/(1/2) बोल इतना समझ गया, हाँ या ना, हाँ या ना, इतना समझाइए, देखो ना पावर कभी भी ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव होता है। अब क्या अगर लास्ट स्टेप टचअप देने का, 1/√t और ये प्लस सी, दिख रहा बच्चा आप लोग को, यस ग्रेट, आओ अभी रीसब्स्टिट्यूट, फाइनल स्टेप फिनिशिंग हो गया, रीसब्स्टिट्यूट टी की जगह पे क्या लिखोगे, 10x2, i = -1/√, देखो दिख रहा है, 10x2 + c, ये आंसर है, थोड़ा मैनेज करो हैंडराइटिंग का प्लीज़, एक बार सोचो यहाँ पर, ये समझा या नहीं समझा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स बोला यहाँ पर आया, ये मरने वाला, इसको बचा के रखो, आगे क्या होगा, ये और ये कैंसल आउट, नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप रहेगा, ये 1/2 बचा, रूट क्या होता है 1/2, फाइनल हो गया खत्म, इसको ऊपर लेके जाओ सॉल्व करो, आंसर आ गया, प्लीज़ कॉपी कर लो। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, होप सो आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आता रहेगा, और पसंद आता रहेगा तो मुझे भाई गुरु दक्षिणा तो चाहिए, गुरु दक्षिणा सर कितना रुपया, पैसा नहीं चाहिए, तुम लोग को एक लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना है, बस और कुछ नहीं, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में भी हमने 5 सम्स किया और भी करेंगे, वीडियो का लेंथ बढ़ाना बन जाए इसलिए, ये वीडियो पसंद आ रहा है ना यार, हाँ यार ना, दिल पे आता रहा है, ग्रेट, चलो मिलते हैं, ब्लॉगिंग आउट।